अभी मैं देदनी गांव में हूं और देदनी गांव से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर पीछे जो है एक और मोहल्ला आता है, जिस मोहल्ले में पिछले आजादी यानी पिछले कई सालों से रख लीजिए या आजादी के बाद इन लोगों ने कभी लाइट नहीं देखी। उससे पहले तो इनके बुजुर्गों ने भी तो नहीं देखी थी, लेकिन आज डिजिटल भारत की जो बात की जा रही है, बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए, पंचायत में सरपंच बनाएगी, डीडीसी बनाएगी, और जितना प्रशासन था अभी फिलहाल जो इलेक्शन हुआ उसमें तमाम चीजें देखी गई कि भाई हर किसी को वोटिंग तक पहुंचाना है, क्योंकि हर किसी का राइट बनता है। तो वोट देकर इसलिए उन नेताओं को भी चुना जाता है कि ताकि वो लोग जब भी कहीं कोई खबर दिखे तो उस जगह के लिए कुछ ना कुछ चीजें जो है दें। फिलहाल जिस गांव में हूं मैं हूं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इनके घरों में ना तारे हैं ना ही इनके घरों में कभी लाइट आई है, और ये लोग जो है अगर मोबाइल चार्ज करने भी जाते हैं तो ये पाली वाली साइड में आपको फिर से दिखाऊंगा जहां सनसेट हो रहा है, अभी सूर्य डूब रहा है बिल्कुल, इसके उस साइड जो है जाना पड़ता है, और अगर लाइट हुई तो ठीक, नहीं तो पहले दिन मोबाइल छोड़कर दूसरे दिन वहां से लाना है, फिर 1 या 2 दिन बैटरी बचती होगी या नहीं बचती। चलिए इनसे पूछते, क्या नाम है? मेरा नाम जावेद इकबाल है। जावेद, जो मैंने कहा सही है? हाँ बिल्कुल सही है। बताएं फिर आप। देखिए, यही पहले तो हम शुक्रिया अदा करने चाहते हैं मीडिया का, और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे पास आए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात जो है ये सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए जी, यहाँ हमारे लाइट नहीं है, आज़ादी के बाद तो हमने लाइट यहाँ हमने देखी नहीं है, ना पहुँच रही है ना पहुँची है अभी तक। तो बड़े हमने कोशिश भी की पहले, अब तकरीबन 10-15 सालों से हम भी कोशिश कर रहे हैं, कभी रेजोल्यूशन एक्सचेंज वालों के पास, कभी डीसी के साहब के पास, कभी मतलब हम चलते रहे, बड़े रेजोल्यूशन अभी तक हमने दिए, लेकिन लाइट हमें यहाँ नहीं पहुँची है। तो बड़ी बार मैं दफ्तर में भी रेजोल्यूशन लेके गया, कभी कहते हैं हाँ जी इसके घर हैं आप यहाँ पर, कभी इसके ठेकेदार बनने चाहे वो, लेकिन वो ठेकेदार भी यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 घर हैं यहाँ पर, हमें लाइट नहीं है, लाइट के बगैर हमें बहुत मुश्किल है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, बच्चों को का पढ़ना जो है वो भी मुश्किल है यहाँ पर, और ना हमारी रोड यहाँ अभी तक पहुँची है। रोड की जो बात करेंगे, रोड तो है ही नहीं यहाँ पर, रोड की भी यहाँ कोई आदमी जब बीमार हो जाता है तो तकरीबन 10 किलोमीटर यहाँ से वो दूर ले जाना पड़ता है उठाकर, अगर वो पहुँचता है कहीं गाड़ी के पास रोड में तो ठीक है, नहीं तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो आपने जो कहा कि आज डिजिटल भारत की बात की जा रही है, हर घर जल हर घर लाइट, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कागजों में आपके गांव में भी लाइट पहुंचा दी है शायद। देखिए, हमारी इसमें समझ में जो बात है, हर हर घर जल हर घर नल, ये जो है ये कहने की बात है, ये हम लोगों को सुनाने की बात है, ये अपने वोटों के लिए ये कहते हैं, लेकिन कहते तो वो तो हम भी सुनते हैं, लेकिन काम तो होने चाहिए ना, काम तो करने चाहिए ना, हमें वो काम क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमारे घरों में लाइट क्यों नहीं पहुंच रही अभी तक। अगर हम जाते भी हैं इन लोगों के पास, हम मांग भी करते हैं, लेकिन वो लाइट हमारे पास क्यों नहीं पहुँच रही, आप तो खुद देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई तार दिखाई दे रही है। खबर आप गवर्नर तक या डीसी तक ये पहुंचेगी तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें हो जाएंगी? देखिए, अब मुझे तो नहीं लगता है, ये तो नहीं लगता है मुझे, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश की है आज तक, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो नजरअंदाज ही कर दिया इन लोगों ने, चाहे हमारे कैंडिडेट हैं चाहे हमारे जो नेता हैं, जो उन्होंने तो नजरअंदाज में रखा हमें, हमारी रोड नहीं पहुंच रही अभी तक। अंदाजा कीजिए आपके वो कौन सा गांव है जहां अभी रोड नहीं पहुंचे, लेकिन हमारे गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंची, हमारे गांव में अभी तक लाइट नहीं पहुंची है, ये कहने की बात है हर घर जार हर घर नाल, तो फिर तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए ना, पहले तो लाइट पहुंचनी चाहिए ना, जहाँ कोई एक घर होता है 2 घर होता है वहां भी लाइट पहुंचती है, लेकिन हमारे 15 घरों को अभी लाइट नहीं पहुंची है, और कोशिश भी की हमने, ये नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, और इनको ये शर्म नहीं आती है, हमें कोशिश करने भी की भी क्या जरूरत है, जब इनको वोटों की जरूरत है होती है, जब इनको इलेक्शन लड़ना होता है, तब अगर ये हमारे गांव में आते हैं हमारे महलों में ये आते हैं, उस वक्त ये यही वादे ये करते हैं, हाँ जी बताओ जी किस चीज़ की जरूरत है, और यही तो उनको हम उस वक्त बताते हैं, हमें लाइट की जरूरत है, हमें रोड की जरूरत है, हमें यहाँ मुश्किलात है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो बाद में क्या ये भूल क्यों जाते हैं? अगर ठीक है ये भूल जाते हैं, लेकिन बाद में हम तो इन लोगों के पास जाते हैं, लेकिन ये हमारी बात सुनते क्यों नहीं है, उन बातों पर गौर क्यों नहीं करते हैं ये? देखिए, खामियां जो है एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से छुपा रहा है। देखिए, इन्होंने खुद कहा कि हम कितनी बार जो है डीसी ऑफिस या नेताओं के पास पहुंचे हैं लाइट के पीछे कि ताकि हमारे गाँव में लाइट आ जाए, कितने दूर जाना पड़ता है खुद ही बताइए कि मोबाइल चार्ज करने के लिए। मैं कहता हूँ मोबाइल चार्ज करने के लिए तो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर तो आगे गाँव दूर है, लेकिन वहां भी टाइम की तो ना लाइट तो होती नहीं है, लाइट तो वहां भी सिंगल होती है,
दो दिन तो लगते हैं वहाँ मोबाइल चार्ज करने पे। तो अंदाजा कीजिए आपको वहाँ भी कि जब सिंगल लाइट है वहाँ पर, तो वहाँ मोबाइल भी कैसे चार्ज होता है। रिचार्ज 200 या 250 का रिचार्ज हम लोग करते हैं मोबाइल में, लेकिन महीना निकल जाता है लेकिन वो किसी का काम में नहीं आता है वो रिचार्ज। इनसे बात, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तालिब हुसैन। तालिब, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही है लाइट के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हमने, या कभी, मेरी उम्र तो लगभग 30 साल हो गई है तो मैंने कभी यहाँ पर लाइट नहीं देखी है। जो अगला गांव है वहाँ पर सिंगल लाइट होती है, मोबाइल जारी करने के लिए यहाँ से जाना पड़ता है। वहाँ पर टाइम की लाइट होती है, नहीं होती है तो वहाँ पर मोबाइल चार्ज कर एक दिन वहाँ पर मोबाइल छोड़ना, दूसरे दिन वहाँ से लाना, तो वो भी एक दो दिन निकलते हैं मोबाइल में, तो फिर वहाँ तो मोबाइल फिर स्विच ऑफ हो जाता है, तो फिर 3-4 दिन के बाद जाना पड़ता है फिर चार्ज करने के लिए। तब तक हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये लाइट के बारे में हम कहना चाहते हैं, रोड के बारे में यहाँ पर तो कोई सहूलियत आज तक हमारी हुई नहीं, ना कोई डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो सरपंच हो या कोई बड़ा नेता हो या वो जो भी जिसको भी हम